हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल। एक्सेल शीट में आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीजन निकालना, यानी कि अगर कोई ऐसी शीट बना रहे हैं जिसमें आपको डिवीजन निकालना है, जैसे कि कोई मार्कशीट बना रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, तो उसमें डिवीजन का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, ये आज मैं आपको समझाऊंगी। मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक शीट पहले से बना के रख रखी है और यहाँ पे कुछ नाम हैं, रो नंबर हैं, मार्क्स हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स मैंने दे रखे हैं। इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, सेंटर। और ये मार्क्स में यहाँ पे मैंने टोटल पहले से निकाल के रख रखा है और यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल रखी है। अब डिवीजन निकालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही फर्स्ट वेरी गुड लिखा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरी गुड ये कैसे आया, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये मैं आज बताऊंगी। तो किसी भी फार्मूले को लगाने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू टाइप कर लेंगे। उसके बाद इफ़ तब लगाते हैं जब हमें ये बताना होता है कि अगर ऐसा है तो। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज 79.4 आई है, अगर हमारी परसेंटेज 79.4 आई है तो हमारी डिवीजन कितनी होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे इफ़ लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इफ़ टाइप कर दिया है और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो आपका परसेंटेज आई है, इसका सेल एड्रेस देंगे, यानी कि सेल का नेम देंगे, और इस सेल का नाम है J2। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, J2 अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद आप टाइप करेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का मतलब हुआ कि अगर हमारी परसेंटेज ज़्यादा है, और उसके बाद हम टाइप करेंगे इक्वल टू का मतलब हो गया बराबर है। और हम पहला कंडीशन जो लगा रहे 75 की, और कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट देंगे, डबल कोट के अंदर जो भी डिवीजन हमें यहाँ पे शो करानी है या उसको हम टाइप कर देंगे। तो मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट वेरी गुड टाइप करती हूँ। तो FIRST फर्स्ट, तो वेरी गुड कर देते हैं, वेरी गुड फर्स्ट वेरी गुड लिख दिया है मैंने। और इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया है, डबल कोट को भी यहाँ पे बंद कर दिया है। पहले हम इसे टाइप कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, और फिर से कॉमा लगाएंगे। यानी कि यहाँ तक जो हमारा जो फॉर्मूला, इसका मतलब होता है कि इक्वल्स टू इफ़ अगर J2, यानी हमारा जो परसेंटेज है, अगर हमारी परसेंटेज ज़्यादा है, ग्रेटर देन यानी ज़्यादा है, इक्वल टू बराबर है 75 के, तो हमारे डिवीजन जो हमारी डिवीजन बनती है वो फर्स्ट वेरी गुड बनती है। इसे डबल कोट के अंदर हम इस मैसेज को टाइप करेंगे। और ब्रैकेट अगर आप लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट हटाना चाहें तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटा दिया है और डबल कोट को बंद कर दिया है। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा करने के बाद फिर से आपको ये कंडीशन फिर से लगानी है। तो कॉमा लगाने के बाद फिर से इफ़, और इफ़ टाइप करने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद फिर से यही सेल एड्रेस देना है, J2, और J2 के बाद ग्रेटर देन, इसके बाद इक्वल टू के बाद अब हम 70 करेंगे, 70, और 70 के बाद हम करेंगे कॉमा के बाद हम करेंगे डबल कोट, और अब हम टाइप करेंगे 70 को हम मानते हैं फर्स्ट गुड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट, और इसके बाद हम टाइप कर देते हैं गुड, फर्स्ट गुड, और इसको भी हम बंद कर देते हैं डबल कोट से हमने इसे बंद कर दिया है। दो कंडीशन लग चुकी हैं। तीसरी कंडीशन लगाते हैं इफ़, फिर से हम इफ़ टाइप करेंगे और फिर से ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद फिर से हमारा सेल एड्रेस आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज का सेल एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई गलती होगी तो देखिएगा, यहाँ पे ऊपर प्लस हो गया मुझसे गलती से, तो यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू। और इक्वल टू करने के बाद अब हमने, जैसे कि बाय द वे, हमने 75 को फर्स्ट वेरी गुड माना है और 70 को हमने फर्स्ट गुड माना है, तो अब 60% को ले लेते हैं। इसके बाद 60% और 60% को हम कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर 60% को हम जो भी मानेंगे, फर्स्ट गुड मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, जो भी मानते हैं, तो ये फिलहाल तो मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। तो फर्स्ट हमने मान लिया और इसे डबल कोट को हम बंद कर देते हैं। डबल कोट को बंद करने के बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है। आप तीसरी कंडीशन देनी है, तो तीसरी कंडीशन हम 40% की दे देते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट इफ़ लग फिर से टाइप करेंगे इफ़, और इफ़ के बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर से यही सेल एड्रेस देते हैं,
और उसके बाद ग्रेटर देन, और उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू के बाद अब हम यहाँ पे 40% की कंडीशन दे देते हैं। तो 40% को हम मानते हैं यहाँ पर थर्ड डिवीज़न मान लेते हैं, तो या सेकंड डिवीज़न मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड कर देते हैं, और सेकंड को इसको डबल कोट को हम बंद कर देते हैं। डबल कोट को बंद करने के बाद यहाँ पर आपने डबल कोट बंद किया है, उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम इफ़ टाइप करेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी, पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हम देने से पहले हम पहले परसेंटेज की सेलेक्टर्स दे देते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन अब हम लगाते हैं 40 के बाद लास्ट की सेकंड डिवीज़न आ गई है, और लास्ट में हम थर्ड की कर देते हैं। इससे नीचे वालों को हम फेल कर देते हैं फिलहाल, तो थर्ड तक, सेकंड तक तो हमने ले लिया है, बाकी को हम फेल कर देते हैं। तो J2 हम यहाँ पे नहीं लेंगे अब, और इफ़ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे फेल कर देते हैं, FAIL फेल कर दिया हमने, और डबल कोट को बंद कर दिया है। और यहाँ पे जितने हमने कंडीशन दी है, जैसे हमने एक कंडीशन ये दी थी, एक कंडीशन ये दी थी, दो हो गई, तीन हो गई, और यहाँ पे चार कंडीशन दी, तो चार बार हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और चार बार हमने कंडीशन ब्रैकेट बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं फिर से। सबसे पहले आपको इक्वल टू से कोई भी फार्मूला जो एक्सेल में स्टार्ट होता है इक्वल टू से होता है, इक्वल टू इफ़ अगर ब्रैकेट J2 यानी कि आपका जो परसेंटेज है उसका सेल नेम देंगे, J2 ज़्यादा है, ग्रेटर देन या ज़्यादा है, इक्वल टू यानी बराबर है 75 के, तो कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर वो डिवीज़न हम लिख देंगे, और डबल कोट बंद कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से हम इफ़ स्टार्ट करेंगे, अगर ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर आपका जो परसेंटेज है ज़्यादा है या बराबर है 70 के, तो इसे हमने फर्स्ट गुड मान लिया है। अब ये आप देखेंगे कि आप 70 को फर्स्ट गुड मानते हैं, 75 को फर्स्ट वेरी गुड मानते हैं, 60 को सेकंड मानते हैं, थर्ड मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, वो आप देखेंगे कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उसमें वहाँ कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। तो हमने 70 को फर्स्ट गुड मान लिया है, फिर से हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, और J2 अगर हमारा J2 ज़्यादा है या बराबर है 60 के, तो हमने इसे फर्स्ट मान लिया है। फिर से हमने कंडीशन लगाई इफ़ J2 ग्रेटर देन ज़्यादा है या बराबर 40 के, इस 40 को हमने सेकंड डिवीज़न मान लिया है, बाकी को हमने फेल मान लिया है, और चार कंडीशन लगाई हैं, चार बार हमने ब्रैकेट को हमने बंद किया है। एंटर करते हैं, एंटर करते ही देखिएगा यहाँ पे मेरी जो डिवीज़न है फर्स्ट वेरी गुड आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट वेरी गुड आ गई है। इतना लंबा फॉर्मूला लगाना है आपको, बस यहाँ पे रिपीटेशन है, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप बार बार देख रहे होंगे इफ़ कंडीशन जो है मैंने चार बार लगा रखी है, और चारों में कुछ भी नहीं है। पहली बार में मैंने 75 लिया है, दूसरी बार में 70 लिया है, थर्ड में 60 लिया है, फिर 40 लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे और आपकी डिवीज़न आ जाएगी। और बाकी डिवीज़न निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी नहीं है। पुरानी वीडियो में बहुत बार मैं इसका शॉर्टकट बता चुकी हूँ, आप शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, कॉर्नर में आना है, और इस तरह से ड्रैग कर देना है, तो बाकी सारे डिवीज़न ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो देखिए सेकंड डिवीज़न यहाँ पे, सॉरी दूसरे वाले सेल में फेल आया है, यानी कि यहाँ पे 30% आया है, 30% को फेल माना गया है। 75.4 है तो फर्स्ट वेरी गुड है, 52 नंबर आए तो इसकी सेकंड डिवीज़न बनती है, और 64.6 बनती है तो फर्स्ट बनती है। फ्रेंड इस तरह से आपको डिवीज़न का फार्मूला लगाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।